भी उनमें से एक हैं जिनको कि अपना सीरम विटामिन B12 लेवल टेस्ट करवाना है? अगर हाँ तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं एंड में आपको बताऊंगी कि विटामिन B12 के टेस्ट की इंडिकेशन क्या है, किनको ये टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर ना, अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम होते हैं, किनको इसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके अंदर हो चुकी है तो इसके लक्षण क्या है, कैसे आप उसको पहचानेंगे और उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज विटामिन B12? विटामिन B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम की सीरीज होती है विटामिन की, का एक विटामिन है। इसका साइंटिफिक नेम होता है मिथाइल कोबालामिन, जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन में। तो इसलिए अगर आप विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी अगर खा रहे हैं तो खाने की वजह से आपको उसकी डेफिशिएंसी होने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए कि आप ओवरडोज भी कर लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी आपको हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट स्टिल यू शुड नॉट कंज्यूम एक्सेस मिथाइल कोबालामिन टैबलेट्स अंटिल अनलेस दे आर एडवाइज्ड बाय योर डॉक्टर। ये करता क्या है आपकी बॉडी में? ये बेसिकली आपके सेल्स की डेवलपमेंट, न्यूरोनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट कब ज्यादा होती है? प्रेगनेंसी में, टीनेज या एडोलोसेंट्स में, और बच्चों में, स्पेशली लैक्टेटिंग फीमेल जो होती है उनमें भी इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। विटामिन B12 DNA डेवलपमेंट में काम आता है, और बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है, और ये हेल्प करता है आपके सेल के मेटाबोलिज्म में, सेल्स बनाने में हेल्प करने की वजह से। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है आपके स्किन, हेयर या नेल्स की प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाए, क्योंकि स्किन, हेयर और नेल के जो है सिंथेसिस में भी ये विटामिन हेल्प करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन किन लोगों को हो सकती है। पहला, जो लोग ऑलरेडी कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, स्पेशली PPI यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, जिसको हम कहते हैं कि गैस की दवा या गैस्ट्राइटिस की दवा जो लोग ले रहे हैं, और ये आजकल आम बात है कि हर कोई बंदा है गैस की दवा ले रहा है, उसकी वजह से भी उसको विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस पूरे रहते हैं। दूसरा, या तो भी वो डायबिटीज की जो है ड्रग्स ले रहे हैं, स्पेशली मेटफॉर्मिन अगर वो ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी विटामिन B12 आपकी बॉडी में कम हो सकता है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं, उसमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सम टाइप्स ऑफ अनीमिया, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, जिसमें कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि वो आपका बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर कॉजेस, जैसे कि या तो आपकी एब्डोमिनल सर्जरी या गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो, या आपको पैनक्रेटाइटिस हो, ट्रॉपिकल स्प्रू, कोहन्स डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, या कोई भी अदर गट रिलेटेड अगर आपको डिसऑर्डर है, तो उससे भी आपका विटामिन B12 गट से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये हो गए हमारे डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कि इतनी पब्लिक एजुकेटेड हो रही है डे बाय डे, उनको डॉक्टर विटामिन B12 प्रेस्क्राइब नहीं भी करता है तो भी वो डॉक्टर से डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें विटामिन B12 का टेस्ट लिख दीजिए, तो क्यों आपको अपना विटामिन B12 टेस्ट करवाना चाहिए? बेसिकली अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं बॉडी में, आप पहले उनको देखें, अगर आपको वो सिम्टम आ रहे हैं देन ओनली यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट, बिकॉज दिस इज अ कॉस्टली टेस्ट इन मार्केट। आप पैसे वेस्ट करने की बजाय पहले आपको ये नीड आंकनी है कि आपको एक्चुअली में ये टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं, और वो अब आप नीड को कैसे पता लगाओगे? उस नीड को पता लगाने का ऑब्वियसली तरीका है कि आप पहले लक्षण देखिए, क्या आपको बॉडी में अननेसेसरी थकान महसूस होती है, अननेसेसरी आलस आना, एक्स्ट्रा नींद आना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस रहना, या फिर बॉडी में कहीं पे कंपन महसूस होना, ट्रेमर्स आना, या नंबनेस और बर्निंग सेंसेशन ऑफ हैंड या फिर सोल ऑफ फुट महसूस होना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हाथ या पैरों में सुई जैसी, चुभने जैसी महसूस होती है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है मिथाइल कोबालामिन की डेफिशियंसी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको इसकी डेफिशियंसी है, कुछ रेयर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि लोगों को मेमोरी लॉस होना, वो अपनी दिनचर्या में
आम तौर पे पहले से ज्यादा भूलने लगते हैं तो भी ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो ऑब्वियसली आप विटामिन B12 सीरम विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवाइए। और अगर आपकी रिपोर्ट लेस देन 100 पिकोग्राम पर मिलीलीटर आती है तो आप समझ लीजिए कि आपको इसकी डेफिशिएंसी है। तो आप इस डेफिशिएंसी की भरपाई कैसे करेंगे? ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स लेके। डेफिशिएंसी की भरपाई आप सप्लीमेंट्स लेकर करेंगे, डॉक्टर की सलाह पर। वो आपको टैबलेट्स देगा इसकी डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए। बट आपको कभी ये डेफिशिएंसी ना हो, ऐसा करने के लिए आप डाइट में क्या लेंगे कि आपको विटामिन डेफिशिएंसी, इस विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो? तो ये है इसका आंसर, आपको नॉन वेज डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ बैड न्यूज फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, बिकॉज दे कैन नॉट टेक, देर आर सम पीपल हु आर दिस मच वेजिटेरियन कि वो एक अंडा भी नहीं खा सकते। तो अब उनके लिए क्या है? उनके लिए एक गुड न्यूज है, दे कैन कंज्यूम मिल्क, क्योंकि वो एनिमल सोर्स प्रोडक्ट है बट इट्स नॉट अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। तो आप इजीली मिल्क पी सकते हैं अपने विटामिन B12 के लेवल्स को ब्लड के अंदर मेंटेन करने के लिए। अदर सोर्सेज जो हैं वो सारे के सारे दे बिलोंग टू नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी, लाइक फिश, मीट, एग एक्सेट्रा, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि आप इस महंगे टेस्ट को करवाए बिना ही जान सकें कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है? बिल्कुल है। आप नॉर्मल अगर अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे तो उसमें आपको एक जो पिक्चर नॉर्मल सेल इंडिसेस देखने के लिए मिलती है वो आपको कुछ ना कुछ डीरेंज नजर आएगी। और अगर वो डीरेंज है, आपका MCV, MCH या फिर पैनसाइटोपिनिया प्रेजेंट है, तो आपका ये इंडिकेशन है दैट यू शुड गो फॉर सीरम विटामिन B12 टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस और हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स आप तक आते रहें और आप कुछ नया जान सके अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू।